News for India। बिहार में यूपी के हाथरस जैसा कांड दोहराया गया है। मोतिहारी गैंगरेप और मर्डर केस में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। यह वीडियो ऐसा है जिसे हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो में दरिंदगी की हदें पार कर चुके कुछ लोग हैं। इस वीडियो में एक बच्चे के शव को चलाया जा रहा है, पीछे से उसके घर की कोई महिला फूट फूट कर रो रही और शव चलाने वाले हैवान ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का खून खौल उठेगा। बिहार के मोतिहारी जिले में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के केस में एक नया मोड़ आ गया है। एक वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में यूपी के हाथरस कांड का दोहरा दिया गया है। इस वायरल वीडियो ने पुलिस प्रशासन पर भी बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि रात के अंधेरे में एक शव को जलाया जा रहा है। इस वीडियो में रोने की ऐसी आवाज है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग कनस्तर से तेल डालकर एक शव को जल्दबाजी में जला रहे हैं। इसी दौरान एक महिला को रोते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले में एक्शन लेते हुए थानाध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया और केस की जांच शुरू करवा दी है। बता दें कि थानाध्यक्ष व आरोपी के बीच का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने और मामले में 11 दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से उस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगा था। आप भी सुनिए इस वायरल ऑडियो को। उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत समझवाइए। मुन्ना के साइड का तू अपना समझावा। हां बिहान ऐसा ई बहन चला हाला ना करा सुन नहीं को ऐसा बिहान ऐसा ना हाला करा ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के पंगा कर लो। जी सुनो ना जी, मुन्ना के साइड का तक मैं तू मत लगते इसमें भाई। मैं बात हां जी हर साइड में कर रमेश बक्के बतियावे दो, तू टाइट मत बतियावो जी ना ओके समझावो ही ना भाई कि 10,000 करने के बाद परेश बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गांव के है कि कोई ना गांव के ना अपन जाके कर लेगा जी। वो ना वो बात ना कोली सर कि कोली ये बात कि कोनो बयान के बाद परेश ना होए के चाहे सुबह से। हां हां ये बात हम उनका समझो जी कि बयान के बाद रहती ना रमेश समझा दे छोड़ो, अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दे सामान अपन पूरा संस्कार करते रहिए। जी ठीक ठीक आलो लिखे करेंगे जी ठीक। अरे वहां लिखे जाके रमेश तैयार होता हूं सर जी। हैं जी सबसे बड़ा दिक्कत की बड़ी पदाधिकारी भी हमारा पर चढ़ जाए की बाजार के बात है, तुम रात में क्यों नहीं बताया तो अगर कहे रात में कहो हम रात में बड़ी पदाधिकारी बोल देंगे सर ऐसे बात है आ नहीं तो उसको दाह संस्कार करा तो लकड़ी कहीं से भेजवा दो लोग समझ गए कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भगवान चुपचाप चल जाए तो जहाँ बोलवा के थाने पर लिखवा लेते हैं ना। थाना पर नहीं, थाना पर ना, थाना पर ना वो नहीं लिख लो अपन। हाँ लिख ले वो थाना पर नहीं लिखना है क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना है। ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई उससे लिखवा तो फिर दिक्कत लेकिन ठंडा से ठीक बा ठीक है। और समझा दो प्रेम से समझा दो कि अगर आप लोग अगर करना हो तो केस करिए, नहीं तो आप लोग जब अपने से क्या फायदा। दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। इसी के संबंध में मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं और जो पूरा देखा गया घटनास्थल को मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद अब हम लोग कल एफएसएल की टीम को भी बुलाएंगे कि फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस आए। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है ऑडियो वायरल जो हुआ है उसके माध्यम से, तो उसमें उनको निलंबित कर दिया गया है थानाध्यक्ष को। और सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।